नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। तो इस 2007 की सॉरी 2020 की मेरी दूसरी वीडियो है, और इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं एक हमारे यूट्यूबर का क्वेश्चन। मिस्टर मनोज शर्मा जो हमारे यूट्यूबर है, उन्होंने 3 दिन पहले मुझसे एक सवाल पूछा है। तो मनोज शर्मा जी, सबसे पहले मैं सॉरी बोलना चाहूंगा कि आपकी रिप्लाई को मैं आपकी जो कमेंट्स को मैं 3 दिन लेट देख रहा हूँ। 2 दिन तो छुट्टी थी मेरी 31st और 1st की, और 1 दिन लेट हो गया। ऐसे भी थोड़ा सा लेट हो जाता है कमेंट्स में, क्योंकि कमेंट्स काफ़ी सारे आते हैं और मेरी 14 घंटे की ऑलरेडी ऑनलाइन लाइव क्लासेस होती है। जी हाँ, हम लोग जूम ऐप के जरिए लाइव क्लासेस देते हैं। आप चाहो तो इसकी डेमो ले सकते हैं। डेमो के लिए आप अपनी वेबसाइट iptindia.com पे जाएं एंड डेमो क्लासेस का फॉर्म भर दें। 1-2 क्लासेस आप डेमो ले सकते हैं। तो चलिए हम कमेंट पे आते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारी कमेंट्स है वो क्या बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि एक कॉलम में नेम है स्टूडेंट, जैसे एबीसीडी कुछ भी हो। सेकेंड रो में आपका सिटी है, दिल्ली वगैरह। वो एक पिवट टेबल चाहते हैं जिसमें सिटी और दिल्ली दोनों कंबाइन होके दिखे, मतलब कॉन्कैटेनेट हो जाए आपस में डैश लगा के। तो चलिए सबसे पहले इसके लिए डेटा बनाते हैं और इसकी पॉसिबिलिटी ढूंढते हैं कि क्या क्या ऐसा हो सकता है। और ये भी मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, तो अगर अगर ना हो तो मुझे आप लोग हंसिएगा नहीं, क्योंकि ये हर क्वेश्चन को हर बार टिकट तो नहीं करता। ऐसे थ्योरी कहती है मनोज जी कि ऐसा पॉसिबल पिवट में नहीं है डायरेक्टली, क्योंकि पिवट में आप कैलकुलेट फॉर्मूले वगैरह लगा सकते हैं, बट न्यूमेरिक फॉर्मूला। जी हाँ, न्यूमेरिक फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, कोई करेक्टर जिसका रिजल्ट करेक्टर आया ऐसी फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते। तो नेम, और यहाँ पे हमने सिटी दे दिया, और यहाँ पे मान लीजिए सेल्स, थोड़ा सा डेटा हम बनाते हैं। नेम हम रिपीट कर देते हैं, यहाँ पे सिटी हम देते हैं, और हम सिटी को नीचे तरफ सिटी में सिटी हमारा ए रिपीटेड आ गया, और यहाँ पे सेल्स आ गया। इसमें मैं रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगा देता हूँ। अब अगर हम पीवट लगाते हैं डायरेक्ट, तो पीवट में हम नहीं कर इनको कॉन्कैटनेट नहीं कर सकते। हम नेम रख दे सकते हैं, और हम यहाँ मान लीजिए सिटी रख सकते हैं, और यहाँ पे सेल्स को रख सकते हैं। और एक काम और कर सकते हैं, जैसे राइट क्लिक किया और मैंने पेपर टेबल ऑप्शन पे, या फिर डिजाइन में जाके मैं इसको टेबलर फॉर्म कर सकता हूँ, और इसको मैं रिपीट भी कर सकता हूँ, और फिर राइट क्लिक करके सब टोटल हटा सकता हूँ। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि दोनों एक ही सेल में मर्ज हो गया है, मतलब कि इस तरह से पूजा और डैश दिल्ली इस तरह से हो, तो ऐसी पॉसिबिलिटी पीवर्ड के साथ तो हम नहीं कर सकते। जी हाँ, ऐसी पॉसिबिलिटी हम पीवर्ड के साथ नहीं कर सकते। तो कैसे करें, तो उसके 2 तरीके हैं। तरीका है कि आप डेटा में ही एक नया कॉलम ऐड कर लें, और ये जो सबसे सिंपल है और सबसे आसान है इस तरह से डेटा के अंदर ही डाल लें। लेकिन किसी कारण से आप डेटा में इस तरह से कॉन्कैटनेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका दूसरा तरीका है। उसके लिए आपको यूज करना होगा पावर पिवट। जी हाँ, पावर पिवट। अगर पावर पिवट आपके सिस्टम में नहीं है, तो पावर पिवट कैसे लाए इसके लिए वीडियो है पावर पिवट का, वो मेरे यूट्यूब पे देख लीजिए। पावर पिवट पे जाएंगे और आप ऐड टू डेटा मॉडल और माय डेटा हैज ए हेडर, ओके कर दीजिए। एक विंडो खुल के आ गया। अब जैसे कि इसके अंदर हम चाहे जो कैलकुलेशन कर ले, हमारे डेटा से कोई फर्क नहीं है। जी हाँ, हम पिवट के बैकग्राउंड में आ गए। तो मैं एक नया कॉलम इंसर्ट करता हूं, और इसका नाम दे देता हूं नेम सिटी,
नेम या जो भी नाम देना चाहे दे सकते हैं। और फिर नीचे यहां पे हम वो कॉन्कैटनेट वाला सिस्टम जो है यहां लगा सकते हैं, यहां नेम इसके साथ हमने बड़ा में दिया डैश और वहां पर हमने दे दिया सिटी। और भी कुछ कैलकुलेशन करने हैं तो कर लीजिए और फिर रिटर्न टू पिवट टेबल, एक नई शीट पे पिवट टेबल लग जाएगी। और यहाँ टेबल इसमें नेम सिटी को यहाँ रखिए एंड इसकी सेल्स को यहाँ रखिए, आपके सामने डेटा है, ऐसा आप कर सकते हैं। तो मनोज जी होप कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हो, अगर कोई प्रॉब्लम और आती है तो मुझे कॉल कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, बट कमेंट में थोड़ा सा लेट रिस्पॉन्स करता हूँ मैं, क्योंकि जैसे बताया कि 14 घंटे की हमारी ऑनलाइन लाइव क्लासेस होती है, उसके बाद थोड़ा सा और भी बहुत सारे कॉल्स और चीज़ों पे फिर कमेंट पे ध्यान थोड़ा सा कम जा चला जाता है, तो इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैंने लेट कम रिप्लाई किया आपका। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको हमारी ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाके डेमो क्लास का रिक्वेस्ट फॉर्म फिल कर सकते हैं, हम आपके डेमो क्लासेस की रिक्वेस्ट का वेट करेंगे। थैंक यू।